आज हमारे साथ यहाँ विजय चौक पे एडिशनल डीजी एचआर सिंह साहब मौजूद हैं, जो होम मिनिस्टर साहब के जो है होम सेक्रेटरी जो नॉर्थ ब्लॉक में, उनसे एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। इश्यूज़ रहे पैरामिलिट्री के, इश्यूज़ सर बताएंगे। हमारे साथ जो है डिप्टी कमांडेंट सुभाष जी हैं, रणधीर सिंह हैं। हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश अध्यक्ष कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राणा। तो और इसमें दो ही मुद्दे, या तो वेलफेयर संबंधित थे या फिर एसएससी जीडी के जो युवा हैं जिनको लेकर 14 फरवरी को आप लोग जा रहे हैं। तो सर, डीजी सर बताइएगा किस तरह की मुलाकात है आज की। डेलीगेशन की मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई। तो श्री भल्ला होम सेक्रेटरी और श्री शाही जीएसपी मौजूद थे और उन्होंने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और एश्योरेंस दिया कि वो इन सब चीज़ों को सकारात्मक रूप से हल करेंगे। पहला खास मुद्दा हमारा था अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठित करने का। जी, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका 2012 से आदेश हो चुके हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनको लागू नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत गंभीरता से लेते हुए यकीन दिलाया कि हम इसको परसू करेंगे। सभी देखिए, एसओपी का जो ऑर्डर, जो तुगल की फरमान आईटीबीपी से, जो आईटीबीपी का एक ऑर्डर था, जो आईटीबीपी के अलावा अन्य बल के सदस्यों को लिखकर की सुविधा नहीं दे रहे हैं, उसको भी उन्होंने गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये तो हम दिखवाएंगे और ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। और ये बात उनके नोटिस में नहीं थी। और सर, ये कंटीन का इशू जीएसटी से, जीएसटी वाली बात भी हुई तो उन्होंने कहा, मैंने उनको व्यक्तिगत उदाहरण दिया कि कई चीज़ें आजकल ऐसी हैं जो कैंटीन में मार्केट रेट से भी बराबर या उनके ही महंगी हैं। तो इसलिए ये भी एक कल्याणकारी मुद्दा है कि जीएसटी की दरों को सीपीसी के लिए घटाया जाए। इसी प्रकार से हेल्थ संबंधी मामला आया कि जहाँ जहाँ पे अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों का ज़्यादा नफरी है तो वहाँ पर उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा, सीजीएचएस डिस्पेंसरी और अन्य सुविधा दी जाए। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे बलों को लाया जाए और ये मामला उनको तेज़ी से परसू कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हमने कहा कि सब जैसे बाकी अर्धसैनिक बलों, जैसे सेना के लिए उनके अलग से स्कूल और कॉलेज खुलते हैं, तो उस मामले में उन्होंने कहा कि नहीं, उनके लोग तो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, उनकी शर्तें अलग है। तो हमने बताया कि अर्धसैनिक बलों की भी नफरी बहुत ज़्यादा है और 12वीं क्लास के बाद उनके बच्चों को भी प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मामले पे उन्होंने इसको नोट किया और उसमें भी विश्वास दिलाया कि इसको वो दिखवाएंगे। जी, इसके अलावा एक झंडा दिवस के बारे में हमने सजेस्ट किया कि अर्धसैनिक बलों के लिए भी एक झंडा दिवस मनाया जाए। तो वो थोड़ा इस मामले, इस बात पे पहले ही चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर में कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच एक दिन को पुलिस झंडा दिवस के रूप में। तो ये बड़ी बात है कि ये जो आपकी मांग जो है ना, ही कवर हो जाएंगे। जो बराबर मांग थी कि भाई सेना झंडा दिवस है तो हर सेना झंडा, ये बड़ी बात है। सर आप बताइएगा, कैंटीन को लेके बात हुई कि जीएसटी हमारे को माफ हो, हमारी कैंटीनों में कैंटीन मार्केट रेट पे आ गई है जैसा डीजी साहब कह रहे हैं, और वो बात को भी साहब ने बहुत गंभीरता से लिया है। और ये एसएससी जीडी के बारे में, एसएससी जीडी के लिए बातचीत रखी गई थी और साहब ने उसके लिए भी बात करने के लिए कहा है कि वो एसएससी चीफ के साथ बात करके उस मैटर को भी देखेंगे। ये मुद्दा उठाया गया क्या, 1,11,000 वैकेंसी ऑलरेडी मौजूद हैं तो 1,09,000 किस हिसाब से? इस मुद्दे को भी उठाया गया कि 1,11,000 वैकेंसी हैं और पार्लियामेंट में गृह राज्य मंत्री साहब ने खुद स्वीकार किया था और जो सभी मेडिकल फिट बच्चों को लिया जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में एक लंबा समय लगा है। 2018 की भर्ती प्रक्रिया थी, जो 2020 जनवरी महीने में रिजल्ट आया है और वो भी 54,000 समथिंग लोगों को ही उन्होंने सेलेक्ट किया है, बाकी मेडिकल फिट बच्चों को भी लिया जाए, ये मुद्दा हमने गृह राज्य होम सेक्रेटरी साहब के सामने रखा है और उसको भी उन्होंने नोट किया है। जवानों की पेंशन का मुद्दा भी इसमें डाला गया कि भाई जो है ना, जवानों की पेंशन भी होनी चाहिए। जब आप वन नेशन और वन राशन कार्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने कहा कि भाई वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा भी होना, जबकि जवानों ने तो इस देश की संसद को बचाया था, तो फिर अर्धसैनिक बलों के जवानों की पेंशन क्यों नहीं? डिप्टी कमांडेंट साहब, आप तो दूसरी बार आ रहे हैं होम सेक्रेटरी की मुलाकात में, कैसे आप उदास हैं? नहीं, आज मतलब होम सेक्रेटरी से महोदय से बात हुआ, काफ़ी मुद्दों पर डिस्कस हुआ और ऐसा लगा कि वो हमारी जो मांगे हैं उनके पॉजिटिव
सोच रही है बिल्कुल, और आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले, मुद्दे को प्रभावित करके लागू करवा दीजिए। जी रणधीर जी, आज हम सेठी साहब से मुलाकात हुई, सकारात्मक मुलाकात हुई, सद्भावना अच्छा रहा, उनका अच्छा व्यवहार रहा और बातें सुनी गई इसको तो और बिल्कुल अच्छे से बातचीत हुआ है और उनके बारे में सोचने के लिए विचार किया। चलिए ठीक है, रणवीर सिंह द वॉइस ऑफ अर्थ सैनिक, जिस देश की संसद को हमने बचाया, चौकीदारी चाक चौबंद हम कर रहे हैं राजपथ से लेके और सरहदों तक। दुख की बात है कि अभी जो सभी जनों की परेड हुई उसमें भी जो है हमारे ट्रुप्स को जो है कंटिजेंट को जगह नहीं दी गई, जबकि चौकीदारी हम कर रहे हैं। एक शुरुआत बहुत बढ़िया, चाहे वो अर्धसैनिक बलों के मामले, और पहली बार हमारे साथ एडिशनल डीजी एचआर सिंह साहब आए, हम बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद के आने वाले दिनों में आपको नई जो है सूचनाएँ देखने को मिले, क्योंकि ये मेमोरेंडम माननीय गृह मंत्री जी को गया है और होम सेक्रेटरी साहब को और JSP वहाँ मौजूद, और सभी को सैल्यूट और सलाम कि आप अच्छे से रहिए, टेंशन फ्री रहिए। एक मुद्दा और भी आया कि जब गृह मंत्री जी 100 दिन जवानों के साथ रहने की बात करते हैं तो मुद्दा ज़रूर उठा कि सर CISF में तो मात्र 30 दिन छुट्टी है, तो 30 दिन का मतलब है कि उनकी तो 60 ही नहीं है। एक सर्वे करवाया जा सकता, हमने रिक्वेस्ट की कि जवान अगर 60 दिन चाहते हैं तो तभी तो 100 दिन का फार्मूला कहीं नज़दीक लगे, जो आए दिन जवान आत्महत्याएं करें कम छुट्टी के कारण। थैंक यू सो मच राजपथ, रायसेना हिल, विजय चौक, सत्ता का गलियारा, सभी को जो है मुद्दा था जिसमें हमने कहा होम सेक्रेटरी साहब को कि सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवानों का साल में एक बार एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए जिससे वो मिले और आपस में चर्चा करें, जिससे ये एक संस्थागत तरीके से लागू हो। इसके ऊपर भी उन्होंने अपनी सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि इस पर वो विचार करें। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच विजय चौक रायसेना हिल से द वॉइस ऑफ अर्थ सैनिक रणवीर सिंह। बंद कर दिया।